गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बबीता वर्मा, टीचर ऑफ सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन. एज यू नो दैट लॉकडाउन इज रनिंग ड्यू टू कोरोना वायरस, सो दैट आवर कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस. नाउ टुडे आई विल टीच यू प्रोनंसिएशन ऑफ सी. जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं बुक्स की, या फिर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सी का प्रोनंसिएशन कहीं पे हमें का करना होता है और कहीं पे हमें सा करना होता है. ये हम कैसे जानेंगे कि हमें का करना है और हमें कहाँ पे सा का प्रोनंसिएशन करना है? इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊँगी बाई रूल एंड विद एग्जाम्पल ऑल्सो कि आप का और सा में कैसे डिफरेंस पता करेंगे. देखिए, लुक हियर, मैंने यहाँ पे टू रूल्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट रूल, जब सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट आए. क्या मैंने कहा? जैसे कि जब सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट आए, तब सी का उच्चारण का होगा. ओके, एक बार फिर से समझते हैं. जब सी के बाद, मीन्स हमारा जो लेटर सी है, मीन्स कोई वर्ड लिखा हुआ है और वो सी है, सी के बाद हमारे ये लेटर आते हैं ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट्स. आप ए ओ यू, ये तो आप जान रहे होंगे कि ये आपके वॉवल्स हैं. ओके, या कोई कॉन्सोनेंट, मीन्स कोई वर्ड लिखा है और उस वर्ड के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट, तो हम वहाँ पे सी का प्रोनंसिएशन का करेंगे. देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स, लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन सी ए टी, कैट. ओके, कैपिटल, केबिन, कूल, कम, कॉफी, कट, कब, कप, क्रो, क्लैब, क्लास. ओके, अब इसको हम समझते हैं. देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कैट, सी ए टी. अब यहाँ पे आप देखिए, सी के बाद हमारा कौन सा लेटर आया है? ए. कौन सा लेटर आया है? ए. अब इसको ध्यान से समझेंगे. इस वीडियो को देखने के बाद आप कहाँ पे आपको सी का प्रोनंसिएशन सा करना है और कहाँ पे का करना है, आप अच्छे से समझ जाएंगे. तो देखते हैं, सी ए टी, कैट. कैट मैंने क्या बताया कि सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट. तो अब सी के बाद देखिए, इसमें ए आया हुआ है, मैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है. ओके, तो सी ए टी, तो यहाँ पे इसका हम प्रोनंसिएशन क्या करेंगे? कैट. ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटल. इसमें भी सी के बाद देखिए ए आया हुआ है, तो हम इसका प्रोनंसिएशन, इसका उच्चारण क्या करेंगे? क. सी का उच्चारण यहाँ पे का होगा. ओके, सी ए पी आई टी ए एल, कैपिटल. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैबिन. ओके, सी ए बी आई एन, कैबिन. हेयर आई हैव ऑल्सो रिटन आफ्टर सी ए. ओके, ए आई हैव रिटन. मैंने रूल्स में जैसे लिखा था कि ए सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट, तो इसमें भी सी के बाद ए आया है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सी का प्रोनंसिएशन का करेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखिए, सी डबल ओ एल, कूल. ओके, अब इसमें देखिए, मैंने थ्री एग्जांपल्स ऑल इनमें से लेटर्स के लिए हुए हैं. जैसे मैंने ए ओ यू, इन सभी लेटर्स के थ्री एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. यहाँ पे है कूल, सी डबल ओ एल, कूल. अब इसमें देखिए, सी के बाद ओ आया हुआ है. ओके, इसमें कम, सी ओ एम ई, इसमें भी सी के बाद कम ओ आया हुआ है. और ये है कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद भी ओ आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी हम सी का प्रोनंसिएशन का करेंगे. कैसे करेंगे इस एक बार देखते हैं. सी डबल ओ एल, कूल. ओके, सी ओ एम ई, कम. सी ओ डबल एफ डबल ई, कॉफ़ी. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी थ्री जो है एग्जांपल्स आपके यू लेटर के राइट किए हुए हैं. सी यू टी, कट. सी यू बी, कब. सी यू पी, कब. हेयर ऑल्सो आफ्टर सी आई हैव रिटन यू, सो यू विल प्रोनंसिएट सी एस क. ओके, यहाँ पे भी सी यू टी, कट. सी यू बी, कब. सी यू पी, कब. इसलिए यहाँ पे भी हम सी क
का प्रोनंसिएशन का करेंगे, कट कप कप। ओके, ये तो हो गए रूल्स में जो मैंने ए ओ यू आपको बताया कि जब सी के बाद ए ओ यू आए तो आप सी का प्रोनंसिएशन का करेंगे। और फिर मैंने इसी रूल में ये भी लिखा है कि कोई कॉन्सोनेंट आए मीन्स वॉवल्स को छोड़ करके, मीन्स ये भी वॉवल हैं आपके ए ओ यू, इनको छोड़ के कॉन्सोनेंट, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने आर लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने एल लिखा है, या फिर आप यहाँ पे ये भी आप ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, इनका भी इफ अगर सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है ओके, तब भी आप सी का प्रोनंसिएशन का ही करेंगे, जैसे कि सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, सी एल ए पी क्लैप, सी एल ए डबल एस क्लास। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने रूल्स लिखा है, एज ए जैसे मैंने रूल लिखा है बिल्कुल सेम मैंने आपके सामने एग्जांपल्स भी लिखे जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब एक बार अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर टू, जब सी के बाद ई आई वाई आई तब सी का उच्चारण मीन्स प्रोनंसिएशन सा होगा, सा ये कौन सा है, सपेरा वाला सा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। सेल, राइस, माइस, सिटी, सर्कल, सिनेमा, साइकिल, आईसी, पॉलिसी। ओके, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको रूल्स पे ध्यान देना है कि मैंने रूल्स में क्या लिखा है। आप कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे कि इस वर्ड को हमें क्या पढ़ना है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम कुछ पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोई बुक पढ़ रहे होते हैं या कोई स्टैंजा या कोई स्टोरी या फिर न्यूज़पेपर, तो कुछ वर्ड्स जो हमारे सामने आते रहते हैं तो उन्हें तो हम बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बट कभी कभी हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनको हमें पढ़ने में थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस वर्ड को हम कैसे क्या पढ़ेंगे, कहाँ से प्रोनंसिएशन होगा या सा से प्रोनंसिएशन होगा। तो इस इन रूल्स के जरिए आप का और सा में डिफरेंस कर लेंगे, अच्छे से आप इसको डिफाइन कर लेंगे, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, जब सी के बाद ई आई वाई आई तब सी का उच्चारण सा होगा, जैसे सी ई डबल एल सेल, आर आई सी ई राइस, एम आई सी ई माइस। अब देखिए सी के बाद ई आई या वाई आई, इसमें देखिए सी के बाद ई आया हुआ है, इसमें भी सी के बाद ई, इसमें भी सी के बाद ई, तो इसका प्रोनंसिएशन हम सा करेंगे। ओके, जैसे कि सेल, राइस, माइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है आई। ओके, तो अब सी के बाद जब आई आए तब हम क्या, सी का प्रोनंसिएशन सा, तब भी हम सी का प्रोनंसिएशन सा ही करेंगे। देखते हैं सिटी, सर्कल, सिनेमा। ओके, सी स्पेलिंग ऑफ सिटी सी आई टी वाई सिटी, सर्कल सी आई आर सी एल ई सर्कल, सिनेमा सी आई एन ई एम ए सिनेमा। ओके, अब देखिए इसमें भी सी के बाद आई आया हुआ है। ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका भी प्रोनंसिएशन हम सी का प्रोनंसिएशन, जब सी के बाद आई आए तो हम इसका प्रोनंसिएशन सा करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब इसमें देखिए वाई, सही सी वाई सी एल ई साइकिल, आई सी वाई आई सी पी ओ एल आई सी वाई पॉलिसी। हेयर ऑल्सो आई हैव रिटन आफ्टर सी वाई हैव कम देन यू यू विल प्रोनंसिएट सी एस सा। ओके, मीन्स जब सी के बाद वाई आए, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सी के बाद वाई आया हुआ है, यहाँ पे भी सी के बाद वाई आया हुआ है, तो आप इसका प्रोनंसिएशन इसका उच्चारण सा ही करेंगे। अब इसका प्रोनंसिएशन करते हैं साइकिल, आई सी, पॉलिसी, इन दिस वे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, थैंक्स।